ओम अज्ञानदमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभये च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतर। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भागवत रिट्रीट में। और पिछले 2 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं अक्रूर मनोरुचि के ऊपर। मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके। हमने श्लोक भागवतम के दशम स्कंद का जो 38वां अध्याय है, अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन, तो इसमें पूरे अक्रूर जी का मनोरथ बताया गया है। और कैसे हम देखते हैं कि जब हम आध्यात्मिक मनोरथ करते हैं तो भगवान को जरूर पूरा करते हैं। कल हमने चर्चा की कि एक तरफ कंस का मनोरथ था, कि हम कृष्ण बलराम को यहाँ लाएंगे, कि मैं हत्या करूंगा, फिर वसुदेव की हत्या कर दूंगा, फिर देवक की हत्या कर दूंगा, उग्रसेन को मार दूंगा, सब राजाओं को मार दूंगा और मैं पूरे पृथ्वी पर राज्य करूंगा। ये उसका मनोरथ था। तो जो भौतिक मनोरथ होते हैं वो केवल मनोरथ इच्छा की स्टेज में ही कुछ सुख देते हैं। हमारी कुछ आकांक्षाएं, हमारी कुछ अभिलाषाएं, काश ऐसा हो जाए तो ये सोचकर हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर मनोरथ पूरे हो भी जाए, सिद्धि उनकी हो भी जाए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यह सब भौतिक जगत की अभिलाषाएं हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक मनोरथ है, अगर हम सिंसियरली अपने स्पिरिचुअल डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो अक्रूर जी चल पड़े हैं और उनका रथ तो बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन उनका मन बहुत तेजी से भाग रहा है। रथ अभी वृंदावन नहीं पहुंचा, लेकिन मन बिल्कुल वृंदावन पहुंच चुका है। और वो जैसे कल हमने चर्चा की थी कि पहले वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन सा कर्म किए हैं, आचरण किया है, तप किया है, दान दिया है कि मुझे उत्तम श्लोक के दर्शन होंगे। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, ये उनकी विनम्रता थी। लेकिन अगले ही श्लोक में बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि मैं बहुत अधम हूँ लेकिन मैं अच्युत के दर्शन कर सकता हूँ, क्योंकि वो अच्युत हैं। अच्युत का अर्थ है जो कभी चूकते नहीं हैं, जो कभी गलती नहीं करते, वो हमेशा करुणा करते ही करते हैं, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए निश्चित रूप से मुझे उनके दर्शन होंगे। जिस प्रकार से काल की नदी में तैरता हुआ कोई भी जीव समुद्र नदी के तट पे आ सकते हैं, यानी कि भव सागर को पार कर सकता है, उसी प्रकार से मैं भी इसको पार कर पाऊंगा। पहले जो अक्रूर जी कह रहे थे कि मैं उत्तम श्लोक के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और अब कह रहे हैं नहीं वो अच्युत हैं तो मैं दर्शन कर पाऊंगा, तो अब वो पूरी अच्छी मति के साथ बोल रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं, सारी लीलाएं उनके हृदय में प्रकाशित हो रही हैं। किस प्रकार से पूतना का उद्धार किया भगवान ने, अजामिल का उद्धार किया, कालिया के ऊपर कृपा की, जब इन सब जीवों के ऊपर जो प्रतिकूल भाव से कृष्ण के पास गए थे उन पे कृपा कर सकते हैं तो मुझ पे अवश्य कृपा करें।
तो शास्त्रों के आधार पर उनकी मति थी और पूरा बड़े डिटर्मिनेशन के साथ, धृति के साथ उन्होंने वचन कहे। तो आध्यात्मिक जीवन में ये गुण होना बहुत आवश्यक है। हमें कभी भी आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में हताश नहीं होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी भगवदगीता के 3rd अध्याय के 31वें अध्याय में लिखते हैं तात्पर्य में कि हो सकता है भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में हम सारे नियमों का अच्छे ढंग से पालन ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम निराश नहीं हो रहे हैं और पराजय की भावना नहीं रख रहे हैं तो पूरा प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें शुद्ध कृष्ण भावना प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये पूरी, इसको बोलते हैं आशा बल, कि हमें पूरी आशा है क्योंकि भगवान बहुत कृपा। तो इसके बाद हम चलते हैं श्लोक नंबर 6 से। तो ये कल का श्लोक था, यहाँ तक हम चर्चा की। मम अद्या मंगलम निष्ठम फलम वंशम चैव मे भवा ये नमस्य भगवतो योगी धेया अंग्री पंकजम। सॉरी, आपको स्क्रीन शेयर करना भूल गया। मम आद्या मंगलम नष्टम फल्ला फल वाश्चैव मे भवः यन् नमस्ये भगवतो योगी धे आंग्रि पंकजम। तो कह रहे हैं कि आज मेरे समस्त पाप कर्मों का अनुमोलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। बहुत सुंदर, आप देखिए उनकी भावना देखिए, अब पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब उनका मनोरथ शुरू हुआ, अब उनकी इच्छाएं वो व्यक्त करना शुरू कर। पहले तो भरोसा नहीं था मुझे दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, जब भरोसा हो गया कि भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान दर्शन करेंगे, अब वो अपने मनोरथ को स्पष्ट कर रहे हैं, अब वो अपने बारे में बात नहीं करेंगे, अब कृष्ण के बारे में बात करेंगे। पूरा आत्मविश्वास हो गया और एक प्रकार का थोड़ा गर्व है कि मैं दर्शन करूंगा। मम अद्य अमंगलम नष्टम फलमश्चाव मे भवा, कि आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए। आज का मतलब ये है कि पहले अमंगल क्या था, अमंगल ये था कि मैं मथुरा में रहता था, कृष्ण ब्रज में है, मेरा अमंगल है कि इतने समीप होते हुए भी मैंने कभी उनको मिल नहीं पाया और मैं कंस की सेवा करता रहा तो मैं मिल नहीं पाया, मथुरा में होते हुए भी ब्रज में नहीं जा पाया, ये मेरा अमंगल था। लेकिन अब ये यात्रा शुरू होते ही अब मैंने व्रज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है तो मेरा ये अमंगल नष्ट हो गया है, मेरा अमंगल नष्ट हो गया है। और साथ में ही क्या है, फल वांश चैव मे भवा, और मेरा जो जीवन है अब पूरा सार्थक हो गया है, मेरे जीवन में मुझे जिसे कहते हैं मेरा जीवन में सफल हो गया है, फल मिल गया जीवन का, सफल हो गया। देखिए जब हम कोई बीज बोते हैं उसमें से पेड़ निकलता है, अगर उस पेड़ में कोई फल ना आए तो निष्फल है सारी मेहनत, और कोई उल्टा सीधा फल हो जाए तो विफल है। इसी प्रकार से जीव, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हरि हरि विफले जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्या विष खाई। विफल, माँ के घर में जब बच्चा आता है बहुत सौभाग्यशाली जीव, उसको अपने पिछले 100 जन्म याद आते हैं, प्रार्थना करता है भगवान से इस माँ के गर्भ से बाहर निकालो, इस कष्टमय परिस्थिति से बाहर आकर निश्चित रूप से मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर आकर माया के प्रभाव में सब कुछ होता है। तो जब वो कृष्ण की शरण ले लेता है तब हमारा जीवन सार्थक है। बोले आज मेरा सारा अमंगल नष्ट हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, क्यों, कैसा, क्या कर लिया, यन नमस्ते भगवतो, आज मैं भगवान के चरणों को नमस्कार करूंगा जिन चरणों को बड़े बड़े योगी लोग केवल ध्यान लगाते, वो ध्यान लगाते हैं लेकिन देख नहीं पाते, लेकिन मैं देखूंगा भी और प्रणाम भी करूं। तो इसमें गुरु जी का एक गर्व है, एक कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। देखिए वैसे तो भक्ति में विनम्र होते हैं भक्त, पिछले समय वो विनम्रता प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन भक्त को अपने
गुरु की कृपा पे और कृष्ण की कृपा पे पूरा कर देना चाहिए। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कृपा में पूरी योग्यता। मेरी सारी अयोग्यताएं, मेरा सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा कृष्ण की और कृपा से, ये पूरा कर। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। और केवल दर्शन ही नहीं, योगी जन तो इतनी तपस्या करते हैं तब उनको भगवान के चरण कमलों का कोई ध्यान लगा पाता, लेकिन मैं तो डायरेक्टली देखूंगा और साथ उनको मैं प्रणाम कर, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हुआ। और श्रीमती राधा रानी की जब किसी जीव पे कृपा होती है तभी उस जीव के हृदय में ये संकल्प आता है कि मुझे व्रज जाना है, तो देख पा रहा है कि मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है कि मैं जैसे ही व्रज की ओर निकला मेरा सारे अमंगल नष्ट हो। और नमस्कार कर, भक्तों के जीवन में प्रणाम का बहुत महत्व है, सबको बहुत प्रणाम करने चाहिए, भक्तों का पूरा जीवन प्रणामों से भरा होना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे जो गोस्वामी जन भी थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतो निद्राहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुणा स्मृतिर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। जितने भी शेष शरण गोस्वामी थे किन के प्रणाम करते थे, किन के जप करते थे। अब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी गिरिराज जी को रोज 1000 प्रणाम करते थे और वैष्णवों को 2000 प्रणाम करते थे। किन का? अब बोलेंगे 2000 वैष्णव उस समय कहाँ होंगे वहां पे, नहीं, जो भी वैष्णव थे चाहे नवद्वीप में हो, जगन्नाथपुरी में हो, दामन में हो, का स्मरण करके को प्रणाम, इतना महत्व है ये प्रणाम करने का। और प्रणाम केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मेंटली मानसिक रूप से भी हम करते चाहिए। प्रतिदिन हम एक दूसरे को वाचा कर प्रणाम करने में आलस नहीं करते चाहिए, ये शरीर की तपस्या है, और मन से भी करना चाहिए। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं भगवान के चरणों को प्रणाम कर। मंदिर में आते हैं, ग्रह है, हमारे घरों में मंदिर है, प्रणाम करना चाहिए कि प्रणाम में कोई आदर्श नहीं। उसके बाद अब वो क्या प्रमाण है कि उनके अमंगल नष्ट हो, तो प्रमाण क्या है हम बता रहे हैं अगले श्लोक में। कंसोपताद्या कृतमे अत्यनुग्रहं रक्षे अघि प्रंगजं प्रहितो मुना हरे नितावतारस्य दुरत्ययं तमा पूर्वैतरण्य नखमण्डलद्विषा। कंसोपताद्या कृतमे अत्यनुग्रहं, क्या लिख बता रहे हैं, बता रहे हैं कि निसंदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है, जिन्होंने आप इस संसार में अवतार लिया। भूतकाल में उनके चरण रखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लंघ्य अहंकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। तो क्या प्रमाण है कि उनके अमंगल नष्ट हो रहे हैं, उसका प्रमाण ये है कि कंस, कंस का नाम आते ही मतलब कि कंस यानी कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति, वो क्या हो गया अति अनुग्रह, उससे मुझ पर इतना अनुग्रह कर दिया, ऑफिशियल मिशन पे भेज दिया मुझे, राजा द्वारा कंस द्वारा पूरा स्पॉन्सर्ड है, उससे ने इतना सुंदर रख दिया और बोला जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ, वाह क्या कृपा हो गई, इतने साल मैंने इस पापी कंस की सेवा की इसी आशा के साथ कि मुझे कभी कृष्ण बलराम के दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा, तो अब किन कंस ही वो माध्यम बना कि मुझे उन्होंने इस रथ में बिठा कर भेजा है कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर आऊं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, कंसो बता दिया कृत, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कैसे हो गया, कंस ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर, तो क्या कृपा कर दी, त्रक्षे अंग्री पद्मम प्रहितो अमुना हरे, कि आज मैं क्या करूंगा, मैं प्रहितो कंस के द्वारा भेजा जा रहा हूं, तो आज मैं हरि के चरण कमलों के आज दर्शन करूं,
इतनी बड़ी कृपा हो गई है। और ये चरण दर्शन इनके क्या खूबी है, इनकी खूबी ये है, कृतावतारस्य दुरत्ययम तमा पूर्वे तरण नखमंडल मद्विषा, कि पूर्व में भी ये तो हरि है, साक्षात हरि है जो कि स्वयं भगवान अवतारी कृष्ण है, लेकिन पूर्व में इन्होंने बहुत से अवतार लिए हैं और उन अवतारों के नख मंडलों की विषा से, विषा का अर्थ है उनकी, उनसे जो निकल रही प्रकाश, भगवान राम है, भगवान वामन देव जी हैं, नरसिंह भगवान है, अलग अलग जो भगवान के अवतार आए, इन अवतारों के नख मंडल, नखों के जो तेज से, केवल उन तेज पर ध्यान लगाने मात्र से ही दुरत्यम तमा, ये संसार है जो बहुत ही गहरा अंधकार है उसको वो पार कर। पूर्व में कृष्ण के अवतारों के नख मंडल के ऊपर, नख मंडल से निकलने वाले प्रकाश के ऊपर ध्यान लगाने मात्र से जो इस संसार का, इसको संसार को गहनतम अंधकार बताया जाए, है ना, संस्कार संसार को दुरत्ययम तमा, ये बहुत गहरा अंधकार है। क्यों अंधकार है? हम सब बद्ध जीवों के अंदर भोगने की वृत्ति है, भोगने के संस्कार है, उन संस्कारों के वश में आके हम भोग करते हैं, जब भोग करते हैं तो संस्कार और गहरा होता है, भोगने की वृत्ति और बढ़ जाती है, और भोग करते हैं और भोगने की वृत्ति बढ़, मतलब कि इस संसार से निकल पाना लगभग असंभव, लगभग असंभव। एक जन्म समाप्त होता है, दूसरा जन्म होता है फिर उन्हीं संस्कारों के साथ, क्योंकि तो हमारा सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है, स्थूल शरीर बदल जाता है, फिर ये चलता ही रहता है, अंधकार पे अंधकार, इल्यूजन अंधकार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तुरंत इसको लांग पाना असंभव सा है। लेकिन भगवान के चरण कमल और उनके ऊपर जो नख है, भगवान के जो नाखून है, साधारण नाखून नहीं है, इससे प्रकाश निकलता, उस प्रकाश के ऊपर ध्यान लगाने मात्र से इतना आनंद मिलता है कि संसार का बड़े से बड़ा भोग, मोक्ष मिलने का जो आनंद है लघुताकृत, वो छोटा। और जब हमारे संसार से आकर्षण समाप्त हो गया और भगवान के चरणों में आकर्षण बढ़ गया तो बड़ी आसानी से इसको हम पार कर, फिर भगवान के चरण कमलों की, भगवान के चरण नखों की ये खूबी है। तो यहाँ नख मंडल बोला हो, मंडल शब्द का होता है ग्रुप, यानी कि भगवान के हम जानते हैं 10 नाखून हैं चरण कमलों में और 10 नाखून हैं भगवान के कर कमलों, हाथों में। तो अगर एक मंडल यानी कि ग्रुप पूरे के पूरे 10 का समूह है, दूसरा मतलब मंडल का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, यानी कि अगर भगवान के नख का, एक नख के ऊपर भी हमने ध्यान लगा लिया तो हमें इतना आनंद मिलेगा कई जन्मों के हम दुखों को भूल जाएंगे। इसीलिए जब हम मंदिर में जाएं, अर्च विग्रह के दर्शन करें, तो विधि बताई गई है कि दर्शन हमें भगवान के चरण कमलों से करना चाहिए और एक-एक अंग पे भगवान के हमें ध्यान लगाना चाहिए। जितना ज्यादा हम भगवान के अंगों पे ध्यान लगाएंगे उतना हमारे जो पाप हैं और हमारी अज्ञानता है वो तीव्रता से नष्ट होगी और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान को इस रूप में देख पा रहे हैं। भगवान के जो अर्च अवतार हैं सबसे ज्यादा दयालु हुआ, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि तात्पर्य में कि भगवान के अर्च अवतार इतने कृपालु हैं कि भगवान अपने धाम से हमारे घर में आते हैं हमें अपने घर में ले जाने के लिए, समझे, भगवान अपने घर से हमारे घर में आते हैं अर्च वगैरह के रूप में, हमें अपने घर वापस ले जाने के लिए। तो अर्च विग्रहों की को साक्षात भगवान समझ के कि एक एक अंग पे हमें मनन करना चाहिए, यहाँ भगवान के चरण कमलों के नख के ऊपर जो नख से जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश पे मनन करने मात्र से तुरुत्तयम तमा, जो भव सागर था जिसको पार कर पाना अत्यंत मुश्किल है उसको व्यक्ति पार कर। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं मेरा क्या सौभाग्य है, ये तो भगवान के पूर्ववर्ती अवतारों के नख मंडलों में से किसी एक नख से निकली हुई आभा के ऊपर मनन करने से ये हालत होगी है, ये परिणाम मिलेगा, मैं तो साक्षात हरि के दर्शन करूंगा, उनके चरण कमलों के दर्शन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, तो मेरा सारा अमंगल नष्ट हो गया, तो ये कंस का बहुत ही अति अनुग्रह मुझ पर हुआ। ठीक है, तो
फिर अब आगे सुंदर, अब ये नखमंडल, ये चरण कमल हैं, अब वो उनका गुणगान कर कि चरण कमल कैसे हैं। यदर्चिता ब्रह्म भवाद भी सुरे श्रिया च देव्या मुनि भी ससात्वते गोचारणाया अनुचरे चरत्मने यद गोपिका नाम कुछ कुमकुमांकितम। कह रहे हैं कि उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा शिव तथा अन्य सारे देवता लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौवे चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और वे ही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते। तो मैं किन चरण कमलों के दर्शन करूंगा, किनके प्रणाम, किसको प्रणाम करूंगा, उनकी महत्वता बताई गई। यद अर्चितम ब्रह्मवाद भी सुरे, चरण कमल साधारण नहीं है, इन चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि सभी देवता गण करते हैं। देवताओं में सबसे प्रमुख हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, यानी कि ब्रह्मा जी शिव जी करते हैं तो सारे देवता गण भी करते हैं, यानी ऊपर के लोकों में तो भगवान के चरण कमलों की पूजा की जाती है। केवल पृथ्वी लोक पर ही अधिकांशतः मनुष्य ऐसे लोग हैं जो भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं करते। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, तो बोले भगवान निराकार है तो भगवान के चरण कमल क्या हो। भगवान के चरण कमलों के नखों की आभा में के ध्यान लगाने की इतनी शक्ति है और उन चरण कमलों के ऊपर ब्रह्म और शिव जी जैसे देवतागण मनन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो सारे देवता करते हैं। बोले केवल देवता ही नहीं करते, यद अर्चितम ब्रह्मवाद अभी सूरे श्रिया च देव्या मुनि भी ससात्वते। तो दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि केवल देवतागण ही नहीं बल्कि श्रिया च देव्या लक्ष्मी जी भी उन पर मनन करते हैं। लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण कमलों की अर्चना करते हैं। जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरणों की सेवा करती रहती है। और लक्ष्मी जी भी नहीं, मुनि भी, मुनिवर भी, ऐसे मुनि जिनको कोई लक्ष्मी में कोई आकर्षण नहीं है, वो भी भगवान के चरण कमलों की लक्ष्मी सेवा करते हैं। सात्वते, और सात्वत मतलब भक्तगण। शिला सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि इसमें वर्णन हुआ है देवताओं का, लक्ष्मी जी का, मुनियों का, भक्तों का, और भक्तों में है कि गोचारणाया अनुचरे से चरत्मने, जो भगवान के साथ गोचारण की लीला में जाते हैं भगवान के ग्वाल बाल। और चौथी लाइन में है यद गोपिका नाम और गोपियों का, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उनकी महानता के अनुसार। तो पहली लाइन में बताया कि सारे देवतागण भगवान के चरणों की अर्चना करते हैं। देवताओं में पहले ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है शिव जी। भगवान के चरण कमल से निकला हुआ जो जल है चरणामृत है, ब्रह्मा जी हमेशा अपने कमंडल में लेके घूम, और ये जब गंगा जी निचले लोकों में आने का प्रयास करती है तो शिव जी को गंगाधर उनका नाम पड़ा अपने केशों में इसको धारण करते हैं। ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ स्थिति हो गई शिव जी की, कैसे वो भगवान के चरण कमलों का अर्चना करते हैं। श्रिया, उसके बाद है लक्ष्मी जी। सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृत में बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी ये नारायण की भार्या नहीं है बल्कि उनकी विस्तार है, जो कि इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य की अधिष्ठात्रा देवी है। पूरा संसार लक्ष्मी जी की पूजा करता है, इस संसार में सब लोग ऐश्वर्य चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं, तो वो जो अच्छा भाग्य देने वाली, लक्ष्मी देने वाली जो है वो लक्ष्मी जी। आप जो मुनिगण हैं जिनके जीवन का लक्ष्य इस संसार में का सुख नहीं है, वो भी भगवान के चरण कमलों की अर्चना करते हैं। तो लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ हो गए मोह मुनि, जिनकी कोई लक्ष्य में कोई रुचि नहीं, संसार के ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं। मुनियों से भी श्रेष्ठ हुए भक्त, जो कि भगवान के चरण कमलों की अर्चना करते। भक्तों में भी गोचारणाया अनुचरे से चरत्वने, भगवान के चरण कमल जिनको लक्ष्मी जी पूजती हैं, ब्रह्मा जी पूजते हैं, शिव जी पूजते हैं, तो वही चरण कमल गोचारणाया गायों को चराने के लिए गायों के पीछे पीछे चलते हैं।
और सारे ग्वालवान उनके साथ है। तो ये उनकी श्रेष्ठता है कि जिनके चरण कमलों की पर ध्यान और पूजा ब्रह्मा जी शिव जी लक्ष्मी जी करते हैं, उन चरण कमलों के साथ भगवान के सारे मित्रगण उनके साथ चलते हैं और गायों के पीछे पीछे भागते हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ है यह गोपिका नाम कुछ कुमकुम अंकितम, किन चरण कमलों के ऊपर गोपियों के स्तनों पे जो कुमकुम लगा होता है वो कृष्ण के चरणों में। जब गोपियां जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं नंगे पांव, तो गोपियां पीछे बैठे बैठे चिंतन करती हैं कैसे कृष्ण नंगे पांव गए हैं, इतने कांटे चुभेंगे, ये सोचकर ही गोपियां मूर्छित हो जाती। जब कृष्ण वापिस आते हैं तो कृष्ण के चरणों को आराम देने के लिए, राहत देने के लिए, सेवा की भावना से गोपियां कृष्ण के चरणों को अपने स्तनों पर रखती हैं और गोपियों के स्तनों पर कुमकुम लगा होता है, वो तो कुमकुम कृष्ण के चरणों में लग जाता है और उसके निशान रह जाते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर हाथों में मेहंदी लगाता है तो मेहंदी सूख भी जाए तो उसके मेहंदी के निशान रहते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ बताई। देवतागण भी चरणों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी भी करते हैं, मुनिगण भी करते हैं, भक्त लोग भी करते हैं, भक्तों में गोप गणों के साथ वो चरण कमल जंगलों में घूमते हैं। और गायों की स्थिति कितनी महत्व है, जो चरण कमल गायों के पीछे पीछे भागते हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं गोपियां, कि वो चरण कमल जिनकी स्तुति ये सब लोग करते हैं वो गोपियां अपने स्तनों पर रखती हैं और उनके स्तनों से लगा हुआ जो कुमकुम है उन चरणों पर अंकित है। तो जो पहली लाइन है यद अर्चितम ब्रह्मवादी सूर्य, इस लाइन में हमारे आचार्य गण बताए हैं कि चरण कमलों का ऐश्वर्य बताया गया है कि देवतागण ऐश्वर्य पूर्वक उसकी पूजा करें। दूसरी लाइन में श्रिया च देव्या, लक्ष्मी जी इसको पूछती हैं तो चरण कमल सौभाग्य को अंकित करते हैं। अगर किसी को इस संसार में सौभाग्यशाली बनना है तो उसको भगवान के चरणों की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं हमारा सौभाग्य उजागर, अक्सर बोलते हैं मुझे लक्की बनना है, लक्की बनना है, सौभाग्यशाल बनना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो एक ही तरीका है भगवान के चरणों की आवश्यकता। फिर मुनि भी सत्सात होते, इनके लिए चरण कमल ही, भगवान के चरण कमल ही पुरुषार्थ है, जीवन का लक्ष्य है। और गोचारणाया अनुचरे च चरत्वने, यानी कि गायों के पीछे ये भाग रहे हैं, ये चरण कमल सबसे ज्यादा कृपा बांट। और यद गोपिका नाम कुछ कुमकुम अंकितम, यानी कि ये जो चरण कमल है परम रसिक है, रस का आस्वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से विविध तरीकों से आचार्य जनों ने भगवान के चरणों का गुणगान किया है। इसके बाद जब आप देखते हैं कि आप नोट करते रहिए अक्रूर जी का मनोरथ कैसे बढ़ता जा रहा है। पहले तो वो सोच रहे थे मैं योग्य ही नहीं हूँ, मैंने क्या किया कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। फिर कहने लगा नहीं 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 भगवान अच्युत हैं, कृपालु हैं, मुझ पर जरूर कृपा करेंगे, मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। फिर बोले जब दर्शन हो ही जाएंगे, बोले आज मेरा सारा अमंगल नष्ट हो गया और अब मैं भगवान के चरण कमलों के दर्शन करूँ। तो पहला उनका मनोरथ स्पेसिफिक यहाँ से शुरू होता है कि भगवान के चरण कमलों का मैं दर्शन करूँ। वो चरण कमल क्या है, उनका दो श्लोक में उन्होंने गुणगान किया कि उन चरण कमलों के नखों के नख से जो प्रकाश निकल रहा है उस पर केवल ध्यान करने मात्र से इस पौधे जगत से छुटकारा मिल जाता है। और फिर तो उस आठवें श्लोक किया कि चरण कमलों की उनको लोग अर्चना करते हैं स्वर्ग लोकों में, वैकुंठ लोकों में, गोलोक वृंदावन में, सब जगह इनकी अर्चना। अब उनका लालच और बढ़ गया, ये भक्ति की खूबी है। भक्ति करते हैं तो ये नहीं चलो पहले अपने आप को अयोग्य मान रहे थे, अब चरणों के दर्शन हो गए, नमस्कार कर दिया, प्रणाम कर दिया, इसमें संतुष्ट हो गया। तो भगवान के चरण कमलों के बारे में सोचा, प्रेम और बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया तो लालच और बढ़ गई। अब क्या चाहते हैं, देखिए क्या चाहते हैं और सुंदर ढंग से आगे बताएंगे। हम बता रहे हैं रक्षामि नूनम सुकुपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंज लोचनम खम कुंदस्य गुणा गुणलाकावृतम प्रदक्षिणम मे प्रचरंती वे मृगा। अब उनका लालच क्या है, वो कह रहे हैं कि अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, पहले बोले थे चरण को देखूंगा, अब सीधा मुख पर आ गए, अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा क्योंकि अब हिरण मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं, वह मुख घुंघराले बालों से घिरा है,
और उनके आकर्षक गालों तथा नाक के मंद हास्य युक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से शोभा। कितना सुंदर वर्णन है कि द्रक्ष्यामि नूनम सुकुपोल नासिकम, द्रक्ष्यामि नूनम, निश्चित रूप से अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया कि मैं निश्चित रूप से अब भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। क्या अच्छे संकेत मिल रहे हैं? प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वे मृगा, मेरे दाएं ओर से ये सारे के सारे मृग निकलते हैं। इसको अच्छा लक्षण कहा जाता है। ये भी एक साइंस है कि जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, इससे मालूम चल जाता है कि यात्रा कैसे होनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम यात्रा पर निकले और हमें कोई व्यक्ति दिख जाए, ब्राह्मण दिख जाए, जिनके हाथ में भगवत गीता हो या भागवतम हो, तो यात्रा बहुत शुभ होने। वर्णन आता है अयोध्या में जब एक बार दशरथ जी सुबह सुबह बाहर निकले, उनको ब्राह्मण दिखाई दिए जिनके हाथ में वेद थे। तो बड़े खुश हो गए, आज कुछ होने वाला है। तभी तुरंत जनकपुरी से दूत आ गए और उन्होंने बताया कि आपके पुत्र राम जी ने हर धनुष को तोड़ दिया है और जनक के राजा जानकी से सीता मैया का विवाह निश्चित हुआ है, तो आप सब बारात लेकर आई है, अशुभ समाचार मिले क्योंकि उनको ब्राह्मण दिखाई दे गए। इसी प्रकार से जब अच्छे पशु हिरण हाथी घोड़े हमारे दाई तरफ से निकले तो इसका मतलब शुभ है, अगर वो हमारे बाई तरफ से निकले तो अशुभ है। और निम्नलिखित प्राणी जैसे गधा कुत्ते अगर वो दाई तरफ से निकले तो वो अशुभ हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जब उन्होंने भीम को भेजा था द्वारका में कि देख के आओ कृष्ण की क्या स्थिति है, 7 महीने हो गए भीम वापिस नहीं आए, सॉरी क्षमा करें, अर्जुन वापिस नहीं आए, अर्जुन को भेजा था उन्होंने, तो वो संशय हो गया उनको कि कहीं कृष्ण का तिरोभाव तो नहीं हो गया, और उनको सारे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे और वो देख रहे थे कि जो गधे हैं उनके दाएं तरफ से निकल रहे हैं, गधे उनकी परिक्रमा कर रहे दाएं तरफ से, सोच के कुछ ना कुछ ना। ऐसा ही बोला जाता है कि अगर हमारी दाई साइड फड़के अगर कोई पुरुष है उसके दाई साइड में फड़के तो शुभ माना जाता है, स्त्रियों की बाई साइड फड़के तो उसको शुभ माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आजकल हम गाड़ियों में बैठते हैं, अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो सिग्नल आता है गड़बड़ है, या गेट बंद नहीं हुआ तो सिग्नल आता है तो बंद करो। इसी ढंग से ये लक्षण थे। तो वन से निकल रहे थे, वन में हिरणों को आदत नहीं थी कि कोई गाड़ी निकले, रथ निकले, रथ की आवाज से हिरण डर गए और भागे, और भाग के वो बाएं तरफ भी जा सकते थे लेकिन दाएं तरफ गए, तो शुभ लक्षण। तो ऐसा शुभ लक्षण देखा तो उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से द्रक्ष्यामि नूनम सुकुपोल नासिकम, कि अब मैं भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करूंगा। कैसा? स्मितावलोक, स्मित मतलब हल्के हल्के मुस्कुरा रहे, जब भगवान हंसे उसमें आवाज नहीं आए और दांत ना दिखाई दे तो उसको स्मित कहते हैं, और जब हंसते हैं और जोर जोर से हंसे तो उसको हास्य बोलेंगे, तो आवाज आए, या आवाज नहीं आ रही और मंद मुस्कुरा रहे हैं और दांत भी नहीं दिखाई दे रहे तो वो कहते हैं स्मित। और साथ में मुखम मुकुंद, भगवान का नाम मुकुंद है, मुकुंद मतलब मुंह मतलब मुख, और कुंद मतलब कुंद पुष्प जिसकी बहुत ही छोटे छोटे उसके पत्ते होते हैं और बिल्कुल सफेद चमकते हुए सफेद, यानी जबकि भगवान का मुख है और उनमें उनके जो दांत हैं वो कुंद पुष्प की तरह है चमकते हुए। दूसरा मुकुंद का मतलब होता है जो मुक्ति देते हैं, जैसे भगवान ने नंद महाराज को 2 बारी बचाया, एक बारी वरुण के चुंगल से, एक बारी अजगर के मुख से उनको मुक्ति दिलाई, ग्वाल बालों के साथ खेलने गए भगवान जंगल में आग लगी तो उनको आग से मुक्ति दिलाई, तो उनको मुकुंद कहा गया है जो मुक्ति दिलाते हैं, और या फिर जिनके मुख में जो दांत हैं वो कुंड पुष्प की तरह चमक रहे हैं सफेद। मुखम मुकुंदस्य गुणाल अवाकृतम, और उनके जो गाल हैं वो ढके हुए हैं बहुत ही घुंघराले बाल से। कितना सुंदर वर्णन है भगवान के इस मुख का।
भगवान के मुख के सौंदर्य का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं जब वो सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं मध्य लीला में 21वें अध्याय में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो बहुत सुंदर वर्णन है उसमें। कहते हैं वो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए, कह रहे हैं कि ये है सनातन गोस्वामी जी का। राधा रानी के भाव में भगवान आ गए और वो कह रहे हैं, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज, कृष्ण वापु सिंहासने वासी राज्य शासने, करे संगे चंद्र समाज। बोले हैं जो हे सखी, राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो कृष्ण का मुख है वो सभी चंद्रों का राजा है, और कृष्ण का जो शरीर है वो सिंहासन है। क्या है? करे संगे चंद्र समाज, कृष्ण का पूरा देह चंद्र का समाज है, चंद्रों का समाज है कृष्ण का। कृष्ण के मुख की तुलना की गई है चंद्रों के राजा से, और जो मुख होता है उसका सिंहासन क्या है? ये पूरा शरीर, और पूरा शरीर चंद्रों का समाज। कैसे चंद्रों का समाज है ये आगे बता रहे हैं। द्वि गंध सुचि कण जिनि मानि सुंदर पण, सेई दुई पूर्ण चंद्र जानी, लालाते अष्टमी हिंदू ताहाते चंदन बिंदु, सेई एक पूर्ण चंद्र मानी। बोले हैं कृष्ण के जो दो गाल हैं ये चमकते हुए हीरो के समान। कृष्ण के गाल इतने चमकते थे कि ग्वाल बाल कृष्ण के गालों में देखकर अपना श्रृंगार कर सकते। आजकल हम लोग मोबाइल फोन को देखते हैं ना, तिलक लगाना तो मोबाइल फोन से लगा लेते, थोड़ा बहुत मोबाइल फोन चमकता स्क्रीन है उसकी। कृष्ण के गाल चमकते थे और उसको देख के लोग श्रृंगार कर सकते थे, बिल्कुल चमकते हुए हीरे की तरह। और दोनों गालों की तुलना पूरे चंद्रमा से की गई, और भगवान के ललाट की तुलना, माथे की तुलना आधे चंद्रमा से की गई, और उसके ऊपर जो तिलक लगा हुआ है वो पूरे चंद्रमा के समान। तो कितने चांद हो गए भगवान के मुख में? दो गाल पूरा चांद, एक तिलक तीन, और आधा ये ललाट 3.5। और भगवान का चेहरा पूरा खुद एक चंद्रमा, तो 4.5। 4.5 ये हुए, और 10 हैं भगवान के हाथों के कर कमलों के नाखून, वो भी चंद्रमा के समान है, और 10 हैं भगवान के चरण कमलों के नाखून, 20। 20 ये और 4.5 मुख पे, तो 24.5 चंद्रमा भगवान के शरीर में है। तो ये पूरा चरणों का, चंद्रों का समाज है के। और उसके बाद गोपियां कहती हैं कि भगवान का मुख इतना सुंदर है, ये ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया। गोपियां कहती हैं, नादि लेके लक्ष कोटि सबे दिल आंखी दूती, ताते दिल निमिष आच्छादन, विधि जड़ तपो धन रस शून्य तार मन, नाही जाने योग्य श्री जाना। गोपियां ब्रह्मा जी को गाली दे रही कि कृष्ण का, कि जब हम मुख को देखते हैं तो हम असंतुष्ट होते हैं, और वो कहते हैं कि विधाता ने, जो ब्रह्मा जी ने हमें करोड़ों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, खाली दो ही आंखें क्यों दी हैं, और उन दो आंखों के ऊपर भी ये पलकें क्यों बनाई हैं जो बार बार बंद होती रहती है, हम कृष्ण के मुख का दर्शन नहीं कर पाते। इससे क्या मालूम चलता है? विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन। जो ब्रह्मा जी है ना, ये जड़ है, तपस्या कर कर के इनका हृदय बहुत कठोर हो गया है, रस शून्य, कोई रस नहीं है, ना ही जाने योग्य सृजन, इनको सृष्टि करने नहीं आती। क्या क्या गलती की है? ये देखी बे कृष्णा नन तार करे द्वि नयन, वेदी हया
हीन अविचारा। और यदि बोला धरे कोटी आंखि तार करे तभी जानी योग्य सृष्टि तारा। तो जो भी भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करें कि खाली दो ही आंखें दी है ना, और ऐसा व्यक्ति सृष्टि कर रहा है, अगर सृष्टि करता मेरी एडवाइस ले, मेरे मत को माने, और यदि बोल धरे कोटि अंक दार करे, तो उनको हमें करोड़ों करोड़ों आंखें देनी चाहिए। अगर वो हमारे इस सुझाव को स्वीकार करता है तो हम मानेंगे कि वो योग्य है, अन्यथा नहीं। कितना सुंदर वर्णन कर रही है गोपियां ब्रह्मा जी को, बोल रही है, बोले ब्रह्मा जी क्या है, इंद्र को हजार आंखें दे, उन हजार आंखों से वो क्या करते हैं, अप्सराओं के दर्शन कर। इतना गलत काम कि क्या सुंदरता है, पर हमें दो आंखें दे दी, देवताओं को हजार, इंद्र को हजार आंखें दे दी और देवताओं की आंखों में पलके नहीं है, वो क्या कृष्ण के दर्शन कर, हम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, हमें खाली दो आंखें दी और पलकों के साथ। बड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्म लोक में नारद मुनि जी ब्रह्मा जी को बताते हैं ऐसा क्रिटिसिज्म चल रहा है, हम जी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं वापिस कर नहीं सकता। तो ये कृष्ण की सुंदरता है, द्रक्ष्यामि नूनम सुकुपोल नासिका। ये कह रहे हैं कि हम सुकुपोल नासिका मैं जरूर देख लूंगा, और उनका मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनके सुंदर सुंदर गाल, और उन गालों के ऊपर भगवान के सुंदर सुंदर घुंघराले बालों से वो ढका। तो आगे फिर भगवान की और सुंदरता का वो वर्णन करते हैं, कहते हैं अपि अद्य विष्णो मनुजासो ममिषो भारत वार्या भार भारवात वार्या भुवनिज छया लावण्य धामनो भवितो पुलंभनम मयम ननास्यात फलम अंजसी दृशा। कह रहे हैं मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। अब उनका लालच और बढ़ता गया। देखिए पहले चरणों के दर्शन की अभिलाषा, फिर भगवान के सुंदर मुख की अभिलाषा, अब भक्ति प्रेम बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है, अब वो भगवान के सर्वांग दर्शन करना चाहते हैं पूरा, क्योंकि कह रहे हैं अपद्य विष्णुर, जो विष्णु है वो सर्वव्यापक है, मनुजत्वम ईयुषा, और जिन्होंने वो विष्णु है जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, तो किस लिए आए हैं, इस संसार के भार को कम करने के लिए, निज इच्छाया अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से आए हैं। और कैसे हैं वो, लावण्य धाम, लावण्य का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता के वो धाम है, यानी कि सुंदरता उनकी आश्रय लेती है। ओके, और क्या कह रहे हैं, भविता उपलम्भनम, कि अब मैं उनको बहुत ही नजदीकी से देखो, उप का मतलब होता है नजदीकी से, हम उतने सुंदरता के धाम को इतनी नजदीकी से देखो, मयम ना ना स्यात् फलम अंजसा दृशो, मयम ना, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, दो बारी ना आ गया, यानी कि पॉजिटिव। पहले वो विनम्रता से कह रहे हैं क्या हो जाएगा कि मैं इतनी आसानी से जो सुंदरता के आकार है कितनी नजदीकी से दर्शन कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊ, ना ना स्यात्, यानी कि मैं दर्शन कर लूंगा अंजसा बड़ी आसानी से, तो मैं ऐसे देख लूंगा सुंदरता के आकार, जो कि लावण्य के धाम है, सुंदरता के धाम है। के आप कोई पूछेगा अगर भगवान वास्तव में विष्णु है और लावण्य के धाम है तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी क्यों वो कैसे जाने कि वो कृष्ण है, क्योंकि तो एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर वो माखन चुराने में, गाय चराने में,
इतने आसक्त क्यों है? और व्रज में वो झूठ भी बोलते हैं, मैंने चोरी नहीं की। अगर वो वास्तव में परम सत्य हैं, विष्णु हैं, तो कैसे इस बात को समझे? तो फिर ब्रह्मा जी गुरु जी क्षमा करें, इस बात को क्लियर करते हैं कि कहते हैं, या एक शीता, या एक शीता अहम रहितो अपि अस्तो स्वतेजसा अपसा तमो भेद ब्रह्म स्वमायतामान रचिता सदीक्षया प्राणाक्षधि भी सदनिशेषु अभिये सदनिशु अभियते। कह रहे हैं कि वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने आप को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रखर तत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जीव जगत के जीव प्रकट होते हैं, और ये जीव उन्हें अपनी प्राण वायु इंद्रियों बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यह इक्षिता अहम रही, तो भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं केवल दृष्टि पात्र करने, केवल दृष्टि पात्र करते हैं और सृष्टि शुरू हो, और भगवान अहम रहित बिल्कुल मिथ्या अहंकार से रहित है, यानी कि बिल्कुल भी इस सृष्टि के साथ वो आसक्त नहीं है। ये उनके वैराग्य का ऐश्वर्य है। आराम से वो महान विष्णु सृष्टि की रचना की और विश्राम करते हैं। गर्भोदक सागर में गर्भोदक विष्णु भी ब्रह्मा जी उनके नाभि से प्रकट हुए, और गर्भोदक सागर में विष्णु जी आराम से रिलैक्स्ड विश्राम कर रहे हैं, इस सृष्टि की तरफ देखते भी नहीं। देवता जनों को जब कष्ट आता है तो बार बार प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट होते हैं। ये तो भगवान के वैराग्य का ऐश्वर्य है। हम लोग थोड़ा सा घर बनाते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं, कुछ संतान उत्पन्न होती है, ये मेरी संतान है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे मित्र है, मैं मेरा, ये सब मिथ्या अहंकार है। अहंकार के दो भाग होते हैं, अहंत्व ममत्व, मैं और मेरा। भगवान इससे पूर्ण रूप से मुक्त है। हालांकि सब कुछ भगवान के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भगवान किसी से भी आसक्त नहीं, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, हमने आपको कर्ता मानते हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से अहंकार से रहित हैं, और इस सत और असत जगत, सत और असत का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है और जो इसके दिखाई जो दृष्टि जगत है उसका कारण, इस सब के कारण ये प्रकट होता है भगवान के केवल दृष्टिपात से। और भगवान स्वतेजसा अपने तेज से इससे सृष्टि की रचना करते हैं, और अपासत तमोभिद भ्रमा, भगवान अज्ञानता से भेदभाव से और भ्रम से बिल्कुल मुक्त है। कोई अज्ञानता नहीं है, कोई कि मैं जो भेदभाव है उसमें नहीं है, और साथ में क्या है कि भ्रम, भ्रम का अर्थ क्या होता है कि इस बहुत ही दुखमय जगत को हम सुखमय समझने का प्रयास करते हैं। भगवान इससे पूर्ण रूप से मुक्त है, पूरे अंधकार को भगा देते हैं और पूरा जो भ्रम है उसको दूर कर देते हैं। और जो जीवात्माएं इस संसार में हैं, जिनकी इस संसार में रचना हुई है, वो भी भगवान का अनुभव कर सकते हैं प्राण अक्ष भी, अपने प्राणों से, अपने इंद्रियों से और अपने बुद्धि से, अपने उसका अभियते, उसको परसीव कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि मैं देखिए कि ये शरीर मेरा है अगर मैं मानता हूं, लेकिन जब मैं वृद्ध हो जाता हूं तो मैं शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि मैं शरीर से अलग हूं। तो मैं शरीर से अलग हूं तो मैं एक जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं मैं कहाँ से आया, मैं फिर परमात्मा का अंश।
मैं इसे परमात्मा का अनुमान लगा सकता हूँ अपनी बुद्धि से अपने शरीर से। ठीक है, तो ये था श्लोक संख्या 11। इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो भगवान है जो बिल्कुल अनासक्त है फिर भी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं क्यों करते हैं, इसे बताया गया बहुत सुंदर श्लोक है। यस्या अखिला आमे भाविसौ मंगले पाचो विमृशा गुण कर्म जन्म भी प्राणंती शुंभंती पुनंती वै जगत यस्त्वाद विरक्ता शव शोभ नामता। भगवान के गुणों कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट होते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीन लोकों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे। ध्यान से समझिए श्लोक को। यस्या अखिला आमे भावी सुमंगले, भगवान के गुण कर्म और अवतारों से सारे पाप नष्ट, जितने भी पाप हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं और हमारा सौभाग्य जागृत होता है भगवान के गुणों से, भगवान के कार्यों से, भगवान के प्राकट्यों से। और जो शब्द वाचो विमर्शा गुण कर्म जन्म भी, जो शब्द भगवान के गुण कर्म और जन्मों से मिश्रित होते हैं उनमें भी ये शक्ति आ जाती है। देखिए भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के गुण, भगवान के क्या है गुण कर्म और जन्म, भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का जो अवतार है ये हमारे पापों को नष्ट करता है और हमें सारे मंगल प्रदान करता है। और जो शब्दों में भगवान के गुण कर्म और जन्मों का मिश्रण होता है वो शब्द भी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और शब्द क्या करते हैं, प्राणंती शुभंती उनंती बेचकर, ये जो शब्द है जिनमें भगवान के गुण जन्म और कर्मों का मिश्रण है, शुद्ध कथा की बात नहीं की जा रही, संसारी बातों में भी कोई भगवान के गुणों का वर्णन करे, भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कि भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, भगवान के कर्मों का वर्णन कर कि भगवान गोवर्धनधारी है, भगवान रास लीला रचाते हैं, या भगवान के जन्मों का वर्णन कर यशोदा नंदन देवकी नंदन नंदन नंदन, साधारण बातचीत में भी अगर भगवान के गुण कर्म और जन्मों का वर्णन आ जाए मिश्रण हो जाए तो क्या बन जाते हैं, प्राणंते ये प्राण प्रदान करते हैं, शुभंते ये सारे उस व्यक्ति को शुभ बना देते, पूरे जगत को जो उसको कहता है जो उसको सुनता है। शुभंते का अर्थ है कि उसके अंदर एक सारे अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं, वो अहंकार से वो द्वेष से रहित हो जाता है और उसके अंदर कृपालुत्वा कृपा के प्रकट हो जाते हैं। उनंती उसका चित्त पूरा मार्जन होता है, चेतो दर्पण मार्जन। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग भगवान के नामों का गुणगान करें। आज पूरे संसार में आप पूरे संसार को हम मंगलमय बना सकते हैं लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम गुण लीलाओं का करें। देखते हैं परीक्षित महाराज जी को जब श्राप मिला, परीक्षित महाराज जी गंगा के तट पे आए, सब मुनियों से पूछ रहे थे कि जो मृत्यु परायण है उसको क्या करना चाहिए, हर कोई अलग अलग उनको परामर्श दे रहा था। तभी वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए, सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट में बोला तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च स्मरतव्यम च पेक्षिता भयम्। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो कुछ लोग तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाके तो नदियों में डुबकी लगा लेंगे, जाके केवल कुछ मूर्तियों के दर्शन करने लगे तो उसको भी कोई लाभ नहीं। डुबकी लगाना ही है तो श्रवण कीर्तन में डुबकी लगानी है। तो अगर हमने अपने जीवन को शुद्ध करना है, अपने जीवन में सौभाग्य लाना है, अपने सारे पापों को नष्ट करना है तो सबसे सुरक्षित स्थान है पूरी सृष्टि में भक्तों का संग, और भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन। अजामिल ने खाली एक बारी नारायण पुकार उसके सारे पाप खत्म, यमदूतों पे इसे विश्वास नहीं हो
विष्णुदूत ने बोला, आप जाके धर्म की द्वारा से शिक्षा लेके आइए, एक नाम में इतनी शक्ति है भगवान के कि हालांकि अजामिल भगवान को पुकार भी नहीं रहा, अपने बेटे को पुकार रहा है, एक नाम में इतनी शक्ति है सारे पापों को खत्म कर दिया। इसीलिए ये जो भगवान के गुण कर्म और जन्म का जितना हम वर्णन करेंगे, ये तो शुद्ध, अगर शुद्ध नहीं भी है साधारण बातचीत में, जैसे श्री प्रभुपाद जी विदेश में गए और सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, एक बहुत बड़ा रॉक कंसर्ट हो रहा था, रॉक कंसर्ट, रॉक डांस हो रहा था वहां, प्रभुपाद जी का एक हरे कृष्ण महामंत्र का एक स्लॉट, उल्टे सीधे नृत्य, उल्टे सीधे वहां पे लोग वेस्टर्न म्यूजिक में रॉक डांस के बीच में स्वामी जी आए और हरे कृष्ण महामंत्र डाल, पूरा का पूरा वातावरण नाम है। प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट में गए, बावरी स्ट्रीट में जब प्रभुपाद गए वहां पे बियर की स्मेल आ रही है या यूरिन की स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी वहां पे। प्रभुपाद ने वहां जाके भी क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, पूरे बावरी को प्रभुपाद जी ने वैकुंठ ठहरा। इसीलिए हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर हमारे, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वापिस से उत्साह आए, हमारा जीवन सब शुभ हो जाए और हम शुद्ध हो जाए, एक ही तरीका है भगवान के जन्म कर्म गुणों का हम गुणगान करें। और बता रहे हैं अगर कोई ऐसा नहीं करता, यस्ता विरक्ता शव शोभना होता, कोई ऐसा नहीं करता तो जीते हुए भी शव के समान, कोई ऐसा करता है तो मृत अवस्था से जीवित हो जाता है, जो ऐसा नहीं करता वो जीते हुए भी मर जाता है। और उसमें क्या है, शव शोभना। और उसके बाद इस संसार में देखते हैं कितने ही तरह की बातचीत होती है, कितने मैगजीन्स हैं, कितने टीवी शोज हैं, टॉक शोज हैं, जहां कोई भगवान का गुणगान नहीं, कोई वर्णन नहीं, सब क्या है, शव शोभना, मरे हुए व्यक्ति का श्रृंगार कर। आप कोई शव पड़ा हुआ है उसको आपने खूब सजा दिया और बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति आए बोले क्या कितना सुंदर लगा, तो ये आज संसार की हाल, भगवान का कहीं गुणगान नहीं है, उल्टी सीधी चीजों का वर्णन हो रहा है और सब लोग बोले देखो कितने इंटेलिजेंट है, इसको नोबल पुरस्कार दो, इसको फिल्म अवार्ड दो, इसको ये अवार्ड दो, ये सब क्या है, शव शो है, मरे हुए को सजा। लेकिन मरे हुए को जीवित कैसे करना है, भगवान के गुण कर्म जन्मों का दान करना। तो ऐसे भगवान जिनके गुण कर्म और जन्मों के केवल बोलने मात्र से ही व्यक्ति को जीवन वापस मिल जाता है, वो शुभ हो जाता है, वो उसके उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, तो मैं उन भगवान के साक्षात दर्शन का कितना मेरा सौभाग्य है, ये अखरूर जी का है। हम विश्राम देंगे, सब धन्यवाद। शिव प्रभुपाद की जय।